हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको आपके बचपन की तरफ लाना चाहता हूँ। आपके अंदर कितना बचपना जिंदा है उसे मैं देखना चाहता हूँ। आइए याद करिए, इस तरह का आपको कब सवाल मिला था? ए रेशियो बी इक्वल टू दिया हुआ है 3:5 तथा दिया हुआ बी रेशियो सी इक्वल टू दिया हुआ 10:13। तो आपको पता लगाना है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू व्हाट। कुछ याद आया कब पढ़ा था आप लोगों ने? ये हम लोगों के 7th क्लास में दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, आपको इससे मैथ से वास्ता हो या न हो, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं, मजा लिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए एक रूल है, वो ये है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए कि अगर ए रेशियो बी इक्वल टू, मान लीजिए लिखा हुआ है ए रेशियो इक्वल टू ए रेशियो बी, और इधर है बी रेशियो सी इक्वल टू बी रेशियो ये सी है। कल्पना करिए कि इस रूप में है। इस रूप का मतलब है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ज्यादा ध्यान से देखिए। देखिए ये बी जो है डायगोनली है यहां पर, और यहां पर भी देखिए जो यहां पर जो डिजिट रहेगा, अगर ये बी है तो यहां पर भी बी, अगर ये डायगोनली है तब उस कंडीशन में ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू ए, यहां पर जो भी रहेगा ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाता है। इसका मतलब कि कुल हम लोग की जो जिम्मेदारियां बनती है उस रूप में, उस फॉर्म में लाना। तो यहां पर देख रहे हैं कि ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5 है और बी रेशियो सी इक्वल टू 10:13 है। तो हम देख रहे हैं कि ये तो मेरा इक्वल है, लेकिन देखिए ये इक्वल है 5 और 10 हो गया ना। अब इसको किसी भी तरीके से हमको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए या तो ऊपर वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अथवा नीचे में कितना से करिए, 2 से डिवाइड करिए। तो नीचे 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर ऊपर वाले ज्यादा आसान है, मल्टीप्लाई करने में 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 6, 10 और 13 हो जाएगा, सिंपल हो गया। आप चलिए ऊपर ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ऊपर वाले के लिख सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू, इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, 6:10 हो गया। पहले से दिया है बी रेशियो सी दिया हुआ है 10:13 है। अब देखिए इक्वल हो गया, आप यहां देखें ये और ये, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो गया 6:10:13। सिंपल। अच्छा एक और जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है ए रेशियो बी, ये लिखा हुआ है मान लीजिए 4:5 ये है 5 है, और बी रेशियो लिखा है सी, ये लिखा हुआ है 7:8 लिखा हुआ है। अब क्या करें, ये जरा सोचिए। तो हर कंडीशन में आपको, चूंकि ये देख रहे हैं कि डायगोनल इक्वल है, इसको इक्वल करना है। आप कुछ भी करिए इसको इक्वल करिए। अब इक्वल करने के लिए जरा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा। देखिए बी रेशियो सी है, हमने क्या किया, इसमें पहले 7 से हमने भाग दिया तो हो गया 1, 7 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर भी 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से डिवाइड होगा, तो ये 1 हो गया रेशियो, ये हो गया 8/7 हो गया। तो अभी हमको 1:7/8 आया, हमको तो चाहिए यहां पर 5 लाना है ना, तो अब क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी रेशियो सी आया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 हुआ और हो गया ये 8/5 कितना हो गया 40/7 हो गया। अब जब देखिए हम लोग को आगे जो चाहते थे वो हो गया, वो है ए रेशियो बी 4:5 है, बी रेशियो सी आ गया 5:40/7, 40/7 होगा ना, 8/40/7 है, ठीक है। तो इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो गया 4:5:40/7। अब यार ऐसा अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा करते हैं 7 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 7×28 7×5 35 और ये हो गया 40।
इसका वैल्यू होगा 28:35:40। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको मजा आया होगा, वाकई ये बचपन में चीजें हम आपको एक उम्र देख देना चाहते हैं, हम चाहते हैं बनाए और बताएं कि इसका आंसर क्या है। चलिए ए रेशियो बी है 3:7 और बी रेशियो सी है ये 4:9 मान लीजिए कि 9। तो आपको पता लगाना है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू व्हाट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बनाएंगे और बताएंगे। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह के आपके मनोरंजन करने के लिए मैं छोटा छोटा वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपको थोड़ा मजा आए, इंटरटेन।